अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है बवासीर के मतलब। होम्योपैथिक में बवासीर का इलाज कैसे करेंगे, बवासीर की अलामात क्या होती हैं और इसके होने के असबाब क्या होते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको तफसील के साथ बताया जाएगा। इंशाल्लाह वीडियो के अंदर आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। खून के मुसलसल दबाव की वजह से बाज़ औक़ात टांगों में खून की वरीदों की दीवारें पतली हो जाती हैं और वरीदें फूली फूली सी रहती हैं। भारी जिस्म और बारीक और ऊंची एड़ी का तंग जूता पहनने वाली ख्वातीन की पिंडलियों की वरीदें अमूमन फूल जाती हैं। अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए और मुनासिब एहतियात ना बरती जाए तो तकलीफ़ बढ़ जाती है और वरीदों से खून बहने लगता है। इनको हम वेरिकोस वरीदें कहते हैं। इसी तरह बाज़ अशख़ास की मकद की वरीदें फूल जाती हैं, दीवारें पतली हो जाने के सबब उनमें खून की पोटलियां सी या वैसे ही गांठें या फिर मस्से या मोके बन जाते हैं। ये बवासीरी मस्से कहलाते हैं। अगर मस्सों से खून बहने लगे तो इसे खूनी बवासीर कहते हैं और अगर खून ना निकले तो इस मसले को बादी बवासीर का नाम दिया जाता है। मस्सों के महले वकू के लिहाज से भी बवासीर की दो किस्में होती हैं। अगर मस्से मकद की अंदर की तरफ ज़्यादा हों तो उसे अंदरूनी बवासीर कहते हैं। अगर सुफरा से ज़रा ऊपर मकद का वो हिस्सा जहाँ से पखाना खारिज किया जाता है उससे थोड़ा सा ही ऊपर और बाहर को निकले हुए हों तो उसे बैरूनी बवासीर कहते हैं। दोनों हालतों में रफा हाजत के दौरान मस्से बाहर निकल आते हैं और उन्हें अस्तंजा के बाद धकेल कर अंदर करना पड़ता है। बादी बवासीर ज़्यादा तकलीफ़देह होती है लेकिन ज़्यादा नुकसानदेह खूनी बवासीर होती है, क्योंकि मुसलसल खून के ज़्यादा बह जाने की सूरत में मरीज़ कमज़ोर हो जाता है। बादी बवासीर में मस्से अक्सर मुतवर्रम हो जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है और उनमें शदीद जलन और दर्द की वजह से मरीज़ के लिए चलना, बैठना, यहाँ तक कि लेटना तक भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मस्से या मोके मटर के दाने से लेके तकरीबन अखरोट के साइज़ जितने बड़े हो सकते हैं। अगर इस मरज़ की अलामात की बात करें तो बवासीर की अलामात का इन्हिसार वर्म की कैफियत पे होता है। मस्से अगर खफ्ता हालत में हों तो उनसे ज़्यादा तकलीफ़ उनके हुजम और महले वकू की वजह से होती है। अजाबत के दौरान वो बाहर निकल आते हैं और दर्द भी करते हैं। इसके अलावा मकद में बोझ का एहसास और बेआरामी, मरीज़ रोज़मर्रा के कामों में यकसोई इख्तियार नहीं कर सकता और उसके रोज़मर्रा के काम भी मुतासर होते हैं। दर्द की टीसें अजाबत के दौरान बढ़ जाती हैं, मस्सों में वर्म हो जाता है, उनमें चुभन और खुजली होती है और मकद के इर्द गिर्द शदीद जलन और दर्द होता है। मरीज़ को यूँ लगता है जैसे कोई खारजी चीज़ मकद में फंसी रह गई हो। अगर इन मस्सों को, जिन्हें छूना भी नहायत तकलीफ़ दे होता है, फौरी तौर पर अंदर ना धकेला जाए तो सुफरा के सिकुड़ने से दर्द की शिद्दत और ज़्यादा हो जाती है और मरीज़ को किसी सूरत भी सुकून महसूस नहीं होता। बाज़ औक़ात मरीज़ डर के मारे रफा हाजत के लिए नहीं जाता, क्योंकि उसको सख्त दर्द होता है और उसका नतीजा ये होता है कि मरीज़ को कब्ज़ रहने लग जाती है और मर्ज़ ज़्यादा तरक्की कर जाता है। खून कभी तो पखाने के साथ मिला हुआ खारिज होता है और कभी पखाना के बाद कतरा कतरा टपकता रहता है और कभी इतना खारिज होता है कि मरीज़ बाज़ औक़ात बेहोश हो जाता है। अगर इस मर्ज़ को जल्दी आराम ना आए तो खून के ज़्यादा निकलने की वजह से मरीज़ का रंग जर्द पड़ जाता है और वो बहुत लागर और कमज़ोर हो जाता है। अब बात करते हैं इसके असबाब की, ये होती क्यों है। बवासीर की एक बड़ी वजह मुजम्मन या पुरानी कब्ज़ है। अजाबत के दौरान चूँकि बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है इसलिए मकद की वरीदों की दीवारें पतली हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वरीदों की दीवारों में पोटलियाँ या मस्से बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा वो तमाम असबाब भी बवासीर का बायस बनते हैं जो मकद की वरीदों में खून का दबाव बढ़ाते हैं या खून की वापसी में रुकावट पैदा करते हैं। मसलन हमल में भी ये बवासीर हो सकती है और एक जगह बैठे रहने की आदत या जिन अशखास के जिगर में सिरोसिस हो या जिनकी जिगरी वरीदों में खून का दबाव ज़्यादा हो वो भी बवासीर में मुबतला हो जाते हैं। अयाशाना ज़िंदगी बसर करना, बहुत अच्छा खाना पीना लेकिन वर्जिश बिल्कुल ना करना, एक जगह पर बैठे रहना, इसके अलावा तेज़ मसालेदार चीज़ें खाना,
आर्जी कब्ज़ का होना भी बाज़ औक़ात इसकी वजह बनता है। जिगर के फेल का सुस्त होना इसकी एक बहुत ख़ास वजह में शामिल है। गीली जगह पर बैठना, बार बार तेज़ जुलाब लेना, मकद के अंदर या अंतड़ियों के अंदर कीड़ों का होना, और रफ़ हाजत के वक़्त या पेशाब करते वक़्त बहुत ज़ोर लगाना। लेकिन इसके अलावा कभी कभी ये मर्ज़ मरूसी भी होता है। उम्मीद है आपको मेरी बातों की समझ आ रही होगी। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान होम्योपैथिक क्लिनिक। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं बात करने लगा हूँ बवासीर का होम्योपैथिक में इलाज कैसे होगा। आपको मेडिसन्स बताई जाएंगी और वो मेडिसन्स किन कंडीशन में इस्तेमाल होंगी ये तफसील भी आपको यहाँ पे इसी वीडियो में बता दी जाएगी। सबसे पहले मेडिसन जो इस मरज़ में इस्तेमाल होगी उसका नाम है नक्सवामीका। नक्सवामीका इस सिलसिले में एक बहुत अच्छी मेडिसन है। अगर नक्सवामीका की आपको तफसील चाहिए तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो मिलेगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आपको समझने में आसानी पैदा करेगी। बादी बवासीर जबकि खून ना आता हो उसके लिए नक्सवामीका और सल्फर हर ये दो बहुत बड़ी मेडिसन्स हैं। जो मरीज़ ज़्यादातर बैठे रहते हों और वर्जिश ना करते हों, या ज़्यादातर ऐशो इशरत में अपना वक़्त गुजारते हों और कब्ज़ का शिकार रहते हों, यानी पखाना की हाजत तो उनको लगातार होती हो लेकिन पखाना पूरी तौर पर खारिज ना होता हो, या शराब या कबाब के मसाला जात के या होटलिंग के शौकीन होते हैं, ऐसे अशखास की बवासीर में ये दवाई बहुत मुफीद साबित होती है। मकद के अंदर जलन और डंग लगने का दर्द सा महसूस होता है, सुकड़ाव का एहसास होता है और कमर में भी दर्द महसूस होता है। उनके मौके इस कदर खारिज करते हैं कि रात को मरीज़ सो नहीं सकता। ठंडे पानी के लगाने से किसी कदर मरीज़ को आराम महसूस होता है, उनके लिए ये दवाई बहुत मौजू साबित होती है। खूनी बवासीर में ये दवाई उस वक्त काम आएगी जबकि पखाना की हाजत लगातार हो और बार बार रफ़े हाजत के लिए जाना पड़े फिर भी पखाना खुल कर ना आता हो और ऐसा महसूस होता हो कि कुछ ना कुछ बाकी रह गया है। इस मेडिसन की 3x की पोटेंसी लेके आप दिन में 3 से 4 दफ़ा दोहरा सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी मेडिसन है। अगली मेडिसन जिसका मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा वो है सल्फ़र। ये बवासीर की तकरीबन हर किस्म में ही काम आती है, ख़ास तौर पर वो बवासीर जो अभी ज़्यादा पुरानी ना हुई हो। खूनी बवासीर में जबकि खून का आना रुक गया हो और मस्से बहुत भर गए हों और दर्द करते हों, या खून के रुक जाने के बायस सर में बोझलपन और जिगर में तकरीबन बेचैनी सी महसूस होती हो, साथ कब्ज़ हो, मकद में खारिश हो, तो ऐसे हालात में ये दवाई शिफा बख्श साबित होती है। इसकी आप 3x की पोटेंसी लेके दिन में 3 से 4 बार मरीज़ को कंडीशन के हिसाब से दोहरा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात नोट करवा दूँ कि बहुत से डॉक्टरों का ये तजर्बा है कि अगर सल्फ़र 3x की पोटेंसी सुबह खाली पेट और नक्सवामीका 3x की एक खुराक शाम सोने से चंद घंटे पहले मरीज़ को दी जाए और इसी तरह से कुछ अरसे के लिए दवाई जारी रखी जाए तो ये एक शिफा बख्श तरीका साबित होता है। इसके अलावा जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं बवासीर में उनमें एक हेमामेलस है, ये खूनी बवासीर की एक अच्छी मेडिसिन है लेकिन इसके साथ कब्ज़ की शिकायत मौजूद नहीं होती। इस मेडिसिन की खुराक आप क्यू ताकत से लेके 1x या 3x तक मरीज़ को 3 से 4 घंटे बाद दोहरा सकते हैं। अगली मेडिसिन एस्क्यूलस हिप बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें खून या तो बिल्कुल ही खारिज नहीं होता या अगर होता है तो थोड़ा, लेकिन मकद में सख्त दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, कब्ज़ की सख्त शिकायत और चलने से सख्त तकलीफ़ होती है, बाज़ मरीज़ों में कांच बाहर निकल आती है, ये भी मकद का एक हिस्सा होता है जो मकद से बाहर आ जाता है। इसकी ख़ास अलामत ये है कि मरीज़ को ऐसा महसूस होता है कि उसकी मकद में छोटी छोटी छुरियां भरी पड़ी हैं। इस मेडिसन को भी आप क्यू में या 1x ताकत में 3 से 4 घंटे बाद दोहरा सकते हैं। अगली मेडिसन है आर्सेनिकम एल्बम। इस मेडिसन में जलन बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा मालूम होता है जैसे गर्म सुइयां मकद के अंदर चुभोई जा रही हैं, कमर दर्द नाकाबले बर्दाश्त होती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस करता है मरीज़, और जिस जगह तकलीफ़ होती है वहाँ पर मरीज़ को सेक देने से सुकून महसूस होता है। इसकी खुराक आप 3x से लेकर 30 पोटेंसी में भी मरीज़ को इस्तेमाल करवाएंगे
तो अच्छा रिज़ल्ट देगी। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कालनसोनिया। ये सख्त किस्म की बवासीर में जबकि खून लगातार आता रहता हो उसमें कालनसोनिया से बढ़कर और कोई दवा नहीं है। मदर टेंक्चर में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है और औरतों की बवासीर में ये दवाई ख़ास असर रखती है, ख़ासकर हामला औरतों की बवासीर में, जबकि ख़ारिश एक ख़ास अलामत है। कालनसोनिया की ये भी एक ख़ास अलामत है कि कब्ज़ और मकद में ऐसा एहसास हो गोया छोटी छोटी छुरियाँ भरी पड़ी हैं और वो तंग करती हैं। जब बवासीर का खून रुक कर दिल में दर्द होना शुरू हो गया हो तो कालनसोनिया एक बहुत आला मेडिसन है। इसको आप क्यू या 1x के 5 कतरे मरीज़ को तकरीबन हर 4 घंटे के बाद दोहरा सकते हैं। अगली मेडिसन है एलोज। यह बवासीर की ख़ास मेडिसन है जो उस वक्त ज़ाहर होती है जबकि अंगूरों के गुच्छे की मानद मस्से लटके हुए हों और उनसे खून बहुत मकदार में बार बार निकलता हो और ठंडे पानी से मरीज़ को आराम महसूस होता है, मकद में जलन महसूस होती है, मरीज़ की तबीयत असहाल की तरफ रुझान करती है और मुबरज के उजलात पर असर होता है। कालनसोनिया में तबीयत का मिलान कब्ज़ की तरफ होता है और एलोज़ में दस्तों की तरफ। इससे भी आप मरीज़ को क्यू में या 1x ताकत में हर 4 घंटे के बाद कंडीशन के हिसाब से दोहरा सकते हैं। ये जितना भी मैंने ज़िक्र किया है उन अद्वियात का ज़िक्र किया है जो इस मरज़ में बहुत आम और मशहूर मेडिसन्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी बवासीर के लिए बहुत सी अलामात के हिसाब से मेडिसन्स हैं जिनके मैं आपको नाम बोल देता हूँ। उनमें शामिल है पल्साटीला, इग्नेशिया, रटेनिया, कैप्सिकम, एसड म्योर, ग्रेफाइट्स, लाइकोपोडियम, सीपिया, वर्बेस्कम और सल्फ्यूरिक एसड। ये अद्वियात भी आप अलामात के हिसाब से मरीज़ को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इन मेडिसन्स की भी अगर थोड़ी सी वजाहत की जाए तो रटेनिया ऐसी मेडिसन है जिसमें मसों में शदीद जलन होती है जैसे अंगारे दहक रहे हों और उनमें बेइंतहा दर्द भी होता है जैसे कोई छुरी से उनको काट रहा हो, शीशे की किरचें इनमें ठोंस दी गई हों, इस तरह का एहसास मरीज़ को होता है। ठंडे पानी से उसको आर्जी अफाका भी होता है। और पियोनिया ये एक ऐसी मेडिसन है जिसमें मकद कटी फटी महसूस होती है, मस्सों में वर्म और वो उलझे हुए महसूस होते हैं, अजाबत के दौरान और उसके बाद नाकाबले बर्दाश्त दर्द और बेइंतहा खुजली भी होती है। नाइट्रिक एसिड में भी मकद की कटी फटी दीवारें महसूस होती हैं, उनमें खून जल्दी निकल आता है, अजाबत के बाद देर तक मकद में शदीद दर्द होता है। कैप्सिकम उन लोगों की मेडिसन है जो मोटे पिलपले बदन के मरीज़ हों, जिन्हें सर्दी ज़्यादा लगती हो, हवा के झोंके उनके लिए तकलीफ़देह हों, मस्सों से खून बहुत ज़्यादा निकलता हो और उनमें जलन और खुजली भी होती हो। बवासीर के मरीज़ों के लिए मिर्च मसाले, शराब, काफ़ी और दूसरी महर्रक और देर हज़म अशिया से परहेज़ करना चाहिए। अमूमन हल्की फुल्की ज़ूद हज़म ग़ज़ा खानी चाहिए और फल ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। नरम गोश्त खाया जा सकता है लेकिन बवासीर के हमले के दौरान गोश्त से भी परहेज़ है। सुबह उठने पर सबसे पहले और रात को सोने से कबल एक गिलास नीम गर्म पानी पीना चाहिए। खुराक भूख से कम खानी चाहिए। बिल्कुल एक जगह खड़ा रहने या बैठे रहने की आदत बवासीर को जन्म देती है। बहुत ज़्यादा मशक्क़त भी बाज़ औक़ात अच्छी नहीं होती। मरीज़ ऐसी ग़िज़ा खाए कि उसे कब्ज़ ना हो। दूध में इसबगोल डाल के या रोगने जैतून इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं आपको खारजी इस्तेमाल भी बता देता हूँ कि खारजी तौर पर मरीज़ क्या इस्तेमाल करे कि उसको वक्ती अफाका हो जाए। इसके लिए हेमा मेलस मदर टेंक्चर के तकरीबन 30 कतरे 3 छटांक पानी में डालकर एक लोशन तैयार किया जाता है और उसके साथ सुबह और शाम मस्सों को धोया जाता है और रात के वक़्त कपड़े का छोटा सा टुकड़ा इस लोशन में भिगोकर मस्सों के ऊपर रखा जाता है या थोड़ा सा मकद के अंदर भी दाखिल किया जाता है। अगर मस्सों में जलन और ख़ारिश होती हो तो मोलिन ऑयल की मरहम लगाई जाती है। मोलिन ऑयल की मरहम और हेमा मेलस का मदर टेंक्चर आप घर पर नहीं भी तैयार करना चाहते तो ये आपको बाज़ार से भी मिल जाएंगे। जब मस्से बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए हों तो उन पर हेमा मेलस या एस्क्यूलस हेप की मरहम लगाना मुफीद साबित होता है। यह आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएंगी। उम्मीद है आपने मेरी वीडियो को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।